क्या लवलीन फाइनेंस का प्राइस और भी नीचे जा सकता है? कई यूजर्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ लवलीन फाइनेंस का क्या नया अपडेट है, इस बारे में आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। प्राइस की अगर बात करें हम लोग, तो लवलीन फाइनेंस का जो प्राइस अभी चल रहा है वो है यहाँ पे 0.7x0, और उसके बाद है 605 यहाँ पे चल रहा है। देखिए चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो मैंने दो चीज़ें ली हैं। एक तो बड़े टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट पे मैंने देखा है, और मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ पे सपोर्ट है और कौन सा लेवल है जिस तक लवली इनो को जाने के बाद तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं लवली इनो के सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट जो लवली इनो का भी प्राइस चल रहा है उससे 71% नीचे आता है, जो कि बैठता है करीब 0.7x0 1735 पे, और अभी प्राइस है 0.7x0 60। अगर आप बात करें वो कौन सा लेवल है जो लवलीनू को तोड़ने में परेशानी आएगी, वो लवलीनू के प्राइस से पूरा 100% का पंप है, और वो आता है यहाँ पे 0.6x0 124 का। यहाँ पे देखिए लवलीनू फाइनेंस का मैंने आपको पहले भी बताया है, और अगर आप ये वीकली चार्ट भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक लवलीनू की हिस्ट्री यही रही है कि एक काफ़ी टाइम तक वो एक ही प्राइस पे रहता है, यानी कि साइडवेज मोमेंट पे रहता है, और उसके बाद एक पंप आता है। लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था, एक एरिया था जहाँ पे चला, उसके बाद एक बड़ा पंप आया, उसके बाद आप अगर देखेंगे तो एक जगह पे वो चलने लगा और उसके बाद उसका ये पंप आया। तो ये ही मैंने यहाँ पे चार्ट भी मार्क करा है। अगर आप ये एरिया देखते हैं, यानी कि 0.6x0 124 से लेके 0.7x0 173 का अगर एरिया देखते हैं, तो ज़्यादातर लवली इनो इसी प्राइस में मूव करता है, और अगर इस प्राइस से बाहर निकलता है तो वो टाइम पे एक अच्छा पंप लवली इनो में देखने को मिल सकता है। अगर आप बात करें लवली इनो में क्या नया चल रहा है, तो कोई भी चीज़ नहीं है। लिस्टिंग का जो उन्होंने लोगों को यहाँ पे ट्विटर के माध्यम से बाकी जगह से बताया था कि हम लिस्ट करेंगे प्राइस मूव होगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब लोगों ने लवली इनो खरीद लिया है, तो ये अपना नया गेम लेके आए हैं, वो है स्टेकिंग। यहाँ पे अब लवली इनो प्रमोट कर रहा है सिर्फ एक चीज़ को, वो है स्टेकिंग। लोगों ने लिया है लवली इनो, प्राइस डाउन है, क्या करें, इसके लिए वो 7% का यहाँ पे APY दे रहे हैं। मतलब अगर आप बिटमार्ट पे, जैसे इन्होंने बताया, अगर आप बिटमार्ट पे जाएंगे लवली इनो को वहाँ पे जमा कर देंगे, अपने स्टेक कर देंगे, तो 7% का APY यानी कि एनुअल आपको ईयरली रिटर्न मिलेगा। अब आप समझिए लवली इनो जैसे प्रोजेक्ट के लिए 7% का अगर आप ईयरली रिटर्न देखें तो कुछ भी नहीं है, जबकि प्राइस अगर हम लोग देखें तो वो 100% यहाँ पे डाउन है पंप होने के बाद से। तो उस लिहाज से देखें तो 7% कुछ भी यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा लवली इनू के पास अभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हम लोग जिस तरीके से लवली इनू पहले चला है वो देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि अब अगले 5-6 महीने तक लवली इनू के प्राइस में हमें कोई बड़ा भी पंप देखने को नहीं मिलेगा। अगले साल उम्मीद है बिटकॉइन की हाविंग होगी और बाकी चीज़ें होंगी, तो वो समय पे हो सकता है कि लवली इनू के प्राइस में हमें एक पंप देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से अगर आप लवली इनू का पुराना चार्ट देखते हैं, तो अब लवली इनू काफ़ी टाइम तक इसी जगह पे रहने वाला है। बीच बीच में हो सकता है लवली इनू कोई अलग अलग स्कीम लेके आए फिर से लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पहले यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया। पर अगर लवली इनू आपने लिया है तो मेरा मानना है कि यहाँ पे होल्ड कर लीजिए, और तो आप कुछ कर नहीं सकते। और अगर लवली इनू बाय करने वाले हैं, खरीदने का आपका प्लान है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा टाइम रुकिए, एक बार देखिए अगर प्राइस इस रेंज में आता है जो पहले भी आया था, मतलब यहाँ से 60-70% और नीचे जाता है, तो वहाँ पे एक छोटी सी बाइंग आप लवली इनू की कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो, बाय करना चाहते हैं तो। ये था गया हमारा आज का वीडियो लवली इनू फाइनेंस के बारे में। अगर कोई और क्वेश्चन है किसी और प्रोजेक्ट के बारे में आप मेरे से जानना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आगे भी आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।